और केदारनाथ धाम में बड़ा हादसा टल गया है। पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला है। हेलीपैड से पहले ही हेलीकॉप्टर लैंड हो गया। सभी यात्री सुरक्षित बताए जा रहे हैं। हेलीकॉप्टर का रूडल खराब होने पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा। फाटा से केदारनाथ धाम जा रहे हेलीकॉप्टर में 6 यात्री बाकी जगह सवार थे, लेकिन जनहानि किसी तरह की नहीं हुई, ये अच्छी बात रही। लेकिन अब बताया गया कि हादसा किस वजह से हुआ ये भी साफ हो गया है। हादसा टला है, लेकिन हादसा हो पाता उससे पहले पायलट ने अपनी सूझबूझ दिखाई है। ये देखिएगा, तस्वीरें भी आ रही हैं कुछ मौके से, हेलीपैड से पहले हेलीकॉप्टर लैंड हुआ। और ऐसे में अगर देखिएगा, पायलट अगर तत्परता नहीं दिखाता तो फिर किस तरह से ये हादसा हो जाता। और ऐसे में मौके पर मौजूद सभी लोग एकाएक हैरान रह गए, किसी को समझ नहीं आया कि हुआ क्या। लेकिन पायलट की सजगता और तत्परता के चलते 6 यात्रियों की जान बची है। केदारनाथ धाम में लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं बाबा केदार के दर्शनों के लिए। लेकिन इससे पहले ये खबर आई कि हेलीपैड से पहले ही हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हो गई। दरअसल हेलीकॉप्टर का रूडल खराब होने पर करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग। क्रिस्टल कंपनी का हेलीकॉप्टर बताया जा रहा था फाटा से केदारनाथ धाम जा रहा था, और ये लाल घेरे में आप तस्वीर देख पा रहे हैं, ये वो हेलीकॉप्टर जो कि पहले आसमान में चक्कर लगाया और फिर गोल गोल घूमा और फिर लैंड हो गया। पायलट की सूझबूझ और 6 यात्रियों की जान सुरक्षित। केदारनाथ धाम से ये बड़ी जानकारी। और देखिएगा, सब कुछ पहले ठीक दिखाई पड़ता है और फिर अचानक एक हेलीकॉप्टर आता है और हेलीपैड से पहले ही लैंड कर दिया जाता है। दरअसल अमूमन इस तरह के जब हादसे होते हैं तो फिर कई बार देखा जाता है कि तकनीकी खामियों के चलते कई बार हादसे हो जाते हैं, लेकिन जब पायलट की सूझबूझ हो तो फिर ऐसे हादसे होने से भी बच जाते हैं।